500 वर्ष पहले की है। श्रीधाम वृंदावन के पास गोवर्धन में भगवान श्रीनाथ जी का बड़ा सुंदर मंदिर है, वहां की ये घटना है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्रीनाथ जी के एक प्यारे भक्त हुए कुंभन दास जी। भगवान से बड़ा प्रेम करते थे और रोज मंदिर में जाकर भगवान को पद सुनाते, भजन सुनाते, कीर्तन करते भगवान का, और भगवान उनसे बात भी करते थे। उसी मंदिर में रोज कथा कीर्तन भी होता। तो एक बार कथा चल रही थी, कुंभन दास जी कथा कर रहे थे, संत भी बैठे, कई भक्त भी बैठे, संगत भी बैठी। तो कथा में बड़ा सुंदर गोपियों का भाव चला। तो संत बता रहे थे कि भगवान कृष्ण जब लीला कर रहे थे तो गोपियां रोज दही माखन निकालकर अपने घर पर इंतजार करती थी कि कब कृष्ण चोरी करने आएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ये कथा चली, सबने सुनी। वहीं गोवर्धन में रहने वाली एक गोपी रोज कथा में आती थी, उसने भी सुना। उसका बड़ा भाव था, कृष्ण से बड़ा प्रेम था। उसने ये भाव सुना तो उसने क्या किया, दूसरे दिन वो भी दही मक्खन और निकालकर एक मटकी में भरकर भगवान के दर्शन मंदिर में करने आई। भाव ये था कि भगवान मेरे भी घर आए चोरी करने, पर पहले भगवान को दही मक्खन दिखाने मंदिर में आई और धीरे से भगवान को कहने लगी, देखो प्रभु मैंने भी तैयारी कर ली है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अगर चालू भाषा में कहें तो भगवान को लालच देने आई कि देखो भगवान मैंने भी तैयारी कर ली है, बढ़िया ताजा ताजा माखन निकाला है मटकी भर के, और अगर आपको खाना हो तो हमारे घर पधारो, आओ प्रभु मैंने बड़ी चोरी की लीला सुनी है, हमारे घर आओ। ये कहकर माखन लेकर घर चली गई, इंतजार करने लगी कि कृष्ण आएंगे, पर भगवान नहीं आए। बोलो जय श्री कृष्ण। एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन फिर दोबारा माखन निकाला मटकी भर के, फिर लेकर आई। भगवान को कह रही है कल आप आए नहीं, लगता है आपको मेरा पता एड्रेस पता नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं भगवान, देखो आज माखन मैंने फिर निकाला है, मैं अपना पता बताती हूँ, यहां से सीधा जाएंगे 1 किलोमीटर बाद दाहिने मुड़ जाना, फिर वहां पर एक आपको कुटिया नजर आएगी, वहीं रहती हूं मैं, आ जाना प्रभु। ये कहकर फिर वापस जाने लगी तो एक संत ने कहा, अरे रोज तुम माखन ला रही हो, भगवान को खिलाओ। तो मन ही मन कहने लगी, नहीं ऐसे थोड़ी खिलाऊंगी, ऐसे थोड़ी खिलाऊंगी, अगर कृष्ण को खाना ही है तो मेरे घर आ जाए, कहकर चली गई। भगवान दूसरे दिन भी नहीं आए, तीसरे दिन फिर आई, फिर माखन निकाला, और भगवान को कहने लगी, क्यों भाई आते नहीं हो, थोड़ा गुस्से में, क्यों आते नहीं हो प्रभु, 2 दिन से कह रही हूं आओ ना माखन खाने आओ, लगता है तुम में पहले ही ताकत थी, द्वापर में जाते थे चोरी करने, आजकल लगता है तुम में ताकत नहीं, डर गए हो। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे हिम्मत है तो आओ हमारे घर। ये कहकर तीसरे दिन भी चली गई। अब जब भगवान को भोग लगा, आरती हुई, मंदिर बंद होने वाले थे, तो कुंभन दास जी भगवान के सामने बैठे थे। भगवान ने आवाज दी, ओ कुंभन दास इधर आओ बाबा। सामने चले गए भगवान के, बोले जी प्रभु आ गया करो। बोले अरे नई गोपी गोपी आती है कथा में। हाँ हाँ, वो बड़ा हमको धमकी देकर जा रही है रोज। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कह रहे बड़ी रोज धमकी देकर जा रही है, कह रही है ताकत है हिम्मत है तो आओ मेरे घर चोरी करने, सुनो तैयार रहना आज उसके यहां चोरी करनी है। कुंभन दास जी की उम्र 60 साल। बोलो जय श्री कृष्ण। वो कह रहे हैं भगवान कमाल कर रहे हो, इस उम्र में हमको डंडे खिलाओगे, चलो हम तो खा लेंगे आपके प्रसाद रूपी डंडे भी, पर गलती से अगर आप पकड़ गए, आप पकड़ा गए, आपको पड़ गई तो फिर हम कहां जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं प्रभु ये चोरी का ख्याल आप छोड़ो। भगवान कह रहे नहीं भैया, उसने तो बड़ी बड़ी बातें कह दी है, कह रही है ताकत है तो आओ हिम्मत है तो आओ, तुम द्वापर में ही चोरी कर सकते हो, कलयुग में नहीं कर सकते, अब तो जाना पड़ेगा।
भगवान ने बड़ी जिद की। कुंभनदास नहीं मान रहे, नहीं प्रभु मैं चोरी नहीं करूंगा। भगवान कह रहे मेरे खातिर करनी पड़ेगी। वो रोज आती है और दही माखन सामने लेकर लाती है। हमारी बड़ी इच्छा होती है कि भोग लगेगा भोग लगेगा, धमकी देकर फिर चली जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ तवाई बुधायो भाई, कोई बढ़िया सुठा सुठा व्यंजन तवाजे सामू खड़ी अचे, हम भला भगवान न करे निर्जला एकादशी हो जे तो फिर क्या हाल होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ओ हम फोन चलाते ना सोशल मीडिया, तो आजकल रील्स आते वीडियो छोटे छोटे बनकर आते हैं। इन फोन को भी लगता है पता है कि हम सब ने उपवास रखा है, आज मैं जितनी बार फोन खोलूं तो कभी समोसों का फोटो आ जाए, कभी कुछ मैंगो शेक, कभी कुछ कभी कुछ। ये ईमानदारी की बात। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर दिन को हम सो गए थे, उठे तो रायपुर से मैसेज आया संगत का, तो अभी भागवत कथा होने वाली है वहां पर 7 दिन की, तो अलाए उन्हें के भगवान केड़ी मत दिनी अडी उन्हें के लिस्ट मोकड़ी भंडारे जी उन्हें लिस्ट मोकली कि 70 छाछा ठोंदो तवा थोड़ो चेक कयो। बोलो जय श्री कृष्ण। अब वो लिस्ट मैंने इधर फॉरवर्ड की, मतलब 2-3 आइटम चेंज करने थे, और ये भी देखो फिर आपके 2-3 आइटम चेंज करने। मेरे को बोलते तू 8 नया आइटम लिखी दे जेके तो के वणई था। मां एक तो निर्जला एकादशी, अरे सोचो जेको जेको लिखाई दो। मान लो मैंने पालक पनीर लिखा है ना, पालक पनीर, तो आज का दिन तो ऐसा है लिखते ही ऐसा लगेगा मुंह में आ गया पालक पनीर। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ऐसे कैसे चलेगा अगर आप ये सब बातें करोगे और एकादशी व्रत रखोगे तो कैसे चलेगा भाई। ये हमारा गोविंद तो और देखो बदमाश है, आज इसने एक वीडियो भेजा बताया ना। बोलो जय श्री कृष्ण। एक वीडियो इसने भेजा, मैंने देखा वीडियो खोलकर तो बाप रे, इसने क्या वीडियो बनाया। मटका, पानी का जो मटका होता है उसमें लोटी उठाई जिससे पानी निकालते और वो पानी निकालकर दिखा रहा है, फिर निकालकर फिर दिखा रहा है, फिर ऐसे 10-15 बार इसने किया। मुझे तो लगा ब्लॉक कर दूं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब ऐसी हालत किसी ने नहीं छोड़ा। आज कथा भी मैंने यही सुनी है माखन चोरी की। श्री कृष्ण गोविंद, तो भगवान भी यही कह रहे हैं, अरे भैया वो रोज माखन लाती है दिखाकर फिर पीछे चले जाती है, अब सहन नहीं होगा। भगवान कह रहे आज रात को चलना पड़ेगा, तुम तैयार रहना हम दोनों चलेंगे। बोले ठीक है प्रभु, जय जय आप जैसे कहो। अब भगवान के मंदिर को जब ताला लगा बंद हो गए मंदिर, सब पुजारी जी शयन करवा के चले गए, तो भगवान खिड़की से बाहर आए और कुंभन दास जी को बता दिया यहां मेरा इंतजार करना। वहीं भक्त खड़े थे। अब भगवान कह रहे चलो हमको ले चलो। बोले कैसे ले चले, तो भगवान यहां कंधे पर बैठे कुंभन दास जी के। बोलो जय श्री कृष्ण। और भगवान चढ़ गए ऊपर कंधे पर बैठकर, और भगवान कह रहे अब आगे चलो। इतनी लीला में कुंभन दास जी रोने लगे, बोले बड़ी कृपा है मुझ पर कि भगवान मेरे कंधे पर बैठे हैं। वो तो रोने लगे, भगवान के गुण गाने लगे। अच्छा प्रभु कहां चलना है, तो देखो भगवान रास्ता बता रहे हैं। बोले आगे चलो, अब दाएं मुड़ जाओ, अब बाएं मुड़ जाओ, अब इधर चलो, अब इस तरफ चलो। तो फिर रोने लगे कुंभन दास जी। किसी ने पूछा आप बार बार रोते क्यों। बोले देखो भैया, भले ही वो सखी कैसी भी हो, कैसी भी उसकी भक्ति हो, कितना भी प्रेम हो हमको नहीं पता, पर भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया है कि भगवान को उसके घर का पता पता है। वो भगवान तीनों लोगों के मालिक कह रहे हैं इधर चलो, अब इधर चलो, अब इधर चलो। आपको भगवान के दर का रास्ता याद हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, भगवान को अगर आपके घर का रास्ता याद हो जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। कुंभन दास जी तो रोते रोते वहां पहुंचे। अब देखो दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजा बंद घर का। भगवान ने कहा निराश मत हो, वो धमकियों में इतना तक कह के गई है प्रभु, सामने वाला दरवाजा बंद हो तो पीछे से आ जाना, चलो चलो पीछे दरवाजा मिलेगा। भगवान लेकर गए, कुंभन दास जी चले गए। अब
अंदर गए तो देखा सामने ही मटकी टंगी थी माखन की और बड़ी ताजी ताजी खुशबू आ रही है। अब भगवान ने कहा अब हम तुम्हारे कंधे पर खड़े हो जाते हैं, आप हिलना मत, खड़े रहना। बोले ठीक है जय जय आप करो। भगवान खड़े हो गए, बाल रूप में भगवान खड़े हो गए, माखन की मटकी तक भगवान का हाथ भी पहुंच गया। अब भगवान ने माखन निकाला और भगवान ने खाया, ऐसा स्वाद भगवान कह रहे बड़े प्रेम से बनाया है गोपी ने। भगवान खाते गए कुंभन दास जी ने थोड़ा सा ऐसे कंधा हिलाया, बोले क्यों साथी को भूल गए क्या, अकेले अकेले खा जाओगे, थोड़ा हमको भी तो खिलाओ, हमें भी भूख लगी, हमें भी माखन खाना है। अब भगवान कह रहे अरे यार चलो तुम भी खाओ, थोड़ा माखन निकाला। अब भगवान तो ऊपर ही देख रहे, नीचे तो देख नहीं रहे, कुंभन दास जी को खिलाने गए तो यहां पर लगा दिया, फिर थोड़ा माखन निकाला फिर गाल पर लगा दिया। अब कुंभन दास जी कह रहे अरे वैसे तो तुम्हारे बड़े निशाने सही है, हाँ बड़े तुम निशानेबाज हो, पर आज निशाना सही नहीं लग रहा, अरे अंदर डालो मुख पर जुबान पर लगाओ। तब भगवान ने लगाया तो कुंभन दास जी ने भी खाया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब काफी देर लीला चली तो कुंभन दास जी को लगा कि मैं अपने भगवान के एक बार दर्शन तो करूं, इनको हमेशा देखा है कि मूर्ति बनकर विराजमान रहते हैं, स्वरूप में रहते हैं भगवान, ऐसी नटखट लीला आज भगवान हमारे साथ पहली बार कर रहे हैं, थोड़ा अपने भगवान को तो देखूं कैसी हालत है। जब कुंभन दास जी ने ऊपर देखा तो भगवान के दोनों हाथ तो माखनी से भरे हुए थे, एक मटकी पकड़ी हुई थी एक हाथ से, एक हाथ से माखन खा रहे, अब भगवान की धोती उतरती जा रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। धोती भगवान ने जो पहनी है वो उतरती जा रही है। कुंभन दास जी ने कहा सरकार थोड़ा धोती संभालो, जल्दी धोती संभालो। बोले क्या हो गया, आपकी धोती खिसकती जा रही है, सबको दर्शन हो जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ ये उन्होंने अपने पद में भी लिखा है कि अपनी धोती संभालो। अब भगवान कह रहे भैया हम तो माखन खाने में व्यस्त हैं दोनों हाथ, क्या करें। तब उसी समय भगवान ने चारों भुजाएं धारण कर ली, चतुर्भुजधारी भगवान साक्षात प्रकट होकर गोपी का माखन खाने लगे। कंधे पर ही भगवान ने चार हाथ कर लिए। कुंभन दास जी ने देखा तो भगवान दो हाथ से अपनी धोती पकड़ रहे हैं, एक हाथ से मटकी पकड़ी है और एक हाथ से माखन खा रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। आहा ऐसे दर्शन हुए कुंभन दास जी को, तो रोने लगे, थोड़ा हिल गए तो भगवान धड़ाम नीचे गिर गए, कुंभन दास जी भी गिर गए। अब आवाज हुई तो सब घर वाले उठ गए, दौड़ते दौड़ते आए कि चोरी हुई है, चोर आए हैं, चोर आए। अब भगवान तो तुरंत गायब हो गए, तुरंत भाग गए, धोती पकड़ी और भगवान गायब। कुंभन दास जी तो वहीं रह गए, वो तो रो रहे थे। अब घर वाले सब आए, वो गोपी भी आई, सब डंडा लेकर आए, देखा नहीं क्योंकि कुंभन दास जी पहचान में नहीं आ रहे थे, चेहरे पर माखन लगा था और डंडे से मार दिया। फिर गोपी ने देखा तो बोले रुको रुको रुको, ये तो संत जी हैं, ये तो कथा बताते हैं, कीर्तन करवाते हैं मंदिर में, वही तो हैं कुंभन दास जी। तब पूछा बोले बाबा जी अच्छे भले बाबा जी हो, हाँ सब रेपुटेशन आपकी जबरदस्त है, वृंदावन में सब बढ़िया है, फिर चोरी काहे को करते हो, चोरी क्यों करते हो। गोपी ने पूछा तो रोने लगे कुंभन दास जी, बोले हे सखी तू तो बड़ी भाग्य वाली है, ये उनके पद की रचना मैं आपको बता रहा हूं, तू बड़ी भाग्यशाली है। क्यों। बोले तेरे घर तो आज नंदलाल चोरी करने आए। जब ये सुना कुंभन दास जी ने कहा तुम रोज धमकी देकर आती थी भगवान को, प्रेम से बुलाती थी कि आओ चोरी करने आओ, तुम्हारा भाव था। बोले हाँ हाँ भाव था। बोले बस आज भाव पूरा करने भगवान तुम्हारे यहां चोरी करने आए। ये सुना तो गोपी रोने लगी। कुंभन दास जी कह रहे हैं तीनों लोक जिसकी महिमा गाते हैं, तीनों लोक जिसकी चर्चा करते हैं, आज पूरा दिन उसने तुम्हारी चर्चा की। बोलो जय श्री कृष्ण। भक्त जन संत जन उनके मार्ग को ढूंढते ढूंढते भक्ति मार्ग में पहुंचते हैं, प्रभु तक पहुंचते हैं, रास्ता याद करते हैं भगवान के दर का, पर आज प्रभु ने तुम्हारे घर का रास्ता याद रखा, तुम बड़ी भाग्यशाली हो। और गोपी रोने लगी, कुंभन दास जी के चरणों में गिर पड़ी। बोलो जय श्री कृष्ण।
माफी मांगने लगी कि हमें हमने आपको पहचाना नहीं, आपको मार दिया। अब कुंभन दास जी ने प्रेम से आशीर्वाद दिया और वहां से निकल गए। जब बाहर निकले तो चौराहे पर ही भगवान खड़े थे, बोलो जय श्री कृष्ण खड़े थे। और भगवान ने आवाज दी, ओ कुंभना। कुंभन दास जी तो दौड़ते दौड़ते गए, भगवान को गले से लगाया, कह रहे अरे आप हमको छोड़कर चले गए। भगवान कह रहे भैया चोर बने हो तो फुर्ती रखनी पड़ेगी, थोड़ा भाग दौड़ करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, सब ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं आई। भगवान को कह रहे नहीं नहीं प्रभु, आपके साथ क्या परेशानी, दो चार डंडे पड़ गए कोई बड़ी बात नहीं, आपका सानिध्य मिल गया, आपका संग मिल गया। भगवान कह रहे चलो अब कोई बात नहीं, चोरी हो गई, अब तुमको एक खुशखबरी दें। हाँ हाँ प्रभु खुशखबरी दो। बोले तुम्हारे घर लड़का हुआ है, बोलो जय श्री कृष्ण, तुम्हारे घर लड़का हुआ है। कुंभन दास जी तो खुश हो गए, बोले अरे वाह प्रभु, आपका एक भक्त और बढ़ गया। बोले हाँ हाँ वो हमारा ही भक्त बनेगा, अरे जल्दी जाओ उसके दर्शन कर लो, उसे देख लो अपने बेटे को, और नाम कुछ अच्छा रखना। भगवान कह रहे कोई अच्छा नाम रखना अपने बेटे का, अपने बालक का। तब कुंभन दास जी ने कहा प्रभु आज पहली बार आपका मैंने चतुर्भुज रूप में दर्शन किया है, अपने बालक का नाम रखूंगा चतुर्भुज दास। बोलो जय श्री कृष्ण, वो आपका दास बने। बस बड़े महाभुज दास जिन्होंने खूब भक्ति की, खूब भगवान के लिए पद रचना की। श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो ये लीला प्रभु प्रेम के खातिर करते हैं भाई, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, और कोई साधन नहीं भगवान को प्रकट करने का, प्रेम ही साधन है, भक्ति ही साधन है, कीर्तन ही साधन है। बोलो जय